चीजें हैं इसमें देखनी होती हैं पार्टिसिपल में, एक्टिव है, पैसिव है और मिसमैच है। मेजर फैक्टर कि ये जहां खत्म होगा उसका सब्जेक्ट से डिसाइड करना है। एक्टिव पैसिव समझ में आ गया, काम कर रहा है कि उस पर हो रहा है। देखो तो जरा एक्टिव पैसिव या मिसमैच, क्वाइट इजीली, क्योंकि फर्स्ट आने से टीचर को कोई मतलब नहीं है। मैं चूंकि अभी परीक्षा को टारगेट कर रहा हूं इसलिए मैं अभी सेंटेंसेस बहुत स्मॉल स्मॉल रख रहा हूं। स्ट्रक्चर सिखाना होता अभी लंबा करता, दो थोड़ा सा अटपटा टाइप का। फर्स्ट सेंटेंस बिंग अरेंज्ड, एक्टिव पैसिव या मिसमैच, सेकंड देखो भाई अंडरस्टैंडिंग तो काम करेगा, अंडरस्टैंडिंग तो नहीं छोड़ोगे। जब डिसीजन तुम्हारे पास तीन है, एक्टिव पैसिव है मिसमैच, और सबको पता है कि एक्टिव नहीं है। अच्छा दो चीजें हैं, पार्टिसिपल के पार्ट का मीनिंग एक एक फैक्टर, इस पार्टिसिपल को दिमाग में रखना, और सब्जेक्ट। देखो यहां सब्जेक्ट बहुत आराम से था, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस में पार्टिसिपल के फ्रेज का कनेक्शन किस वर्ड से है। जैसे यहां पे सांप से था, यहां बॉय से था, स्नेक, टीचर, यहां पे किससे, इंप्लॉयमेंट से ना, कि हिज से, हिज कौन सा सब्जेक्ट बनेगा, इंप्लॉयमेंट से। अब जरा इस सब्जेक्ट ये है इंप्लॉयमेंट, अब जरा इसका बोलो तो, इसका कनेक्शन तो एक आदमी से होगा और सब्जेक्ट है इंप्लॉयमेंट। सोचो जरा आपका इस पार्ट का कनेक्शन डोंट यू थिंक कि किसी आदमी से है, और यहां पे आपका ही आना चाहिए था, तब वो आदमी ऑनेस्ट होता तो क्या बात, समझ रहे हो, ये मिसमैच ही था, क्योंकि आपको ये नहीं देखना है कि हीज लगा हुआ है ना, वो नहीं चाहिए, ही चाहिए, ही चाहिए। क्या यहां पे हीज टीचर लिख देता तो हो जाता क्या, तब भी सब्जेक्ट तो टीचर ही रहता ना। ये वाले में आई, इससे क्या कनेक्शन है इसका, बींग से, बींग अर एनी डे से आई का क्या कनेक्शन है, अगर वो एक्टिव बनेगा तो वो खुद बरसात वाला दिन हो जाएगा, पैसिव होगा तो कोई उसको बरसात वाला दिन बना देगा, क्योंकि तो जैसे इसने पीटा नहीं था, पीटा गया था बेचारा, पीटा कोई और था, तो ये कोई रेनी डे, इसी आदमी को रेनी डे बना देता। सर आपका ऊपर वाला दोनों सेंटेंस भी मिसमैच ही था। अब जब मिसमैच होता है तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज कि इस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट, पॉसिबिलिटी नंबर वन कि आपके पार्टिसिपल का सब्जेक्ट मेन सेंटेंस में भर्व के बाद है। आपका ये जो पार्टिसिपल है ना, इसका सब्जेक्ट मेन सेंटेंस में भर्व के बाद आया हुआ है। देखो तो जरा ये जो रोड क्रॉस कर रहा था वो है कि नहीं मेन सेंटेंस में। आप देखो ये जो मैंने अब पॉसिबिलिटी नंबर वन दिया था वो इस पे लागू होगा, इस पे लागू होगा,
इस पे लागू होगा, ये तो एक्टिव पैसिव से बन जाएगा। मिसमैच में क्या लगेगा, एक्टिव पैसिव के बाद मिसमैच, ये तीनों में है ना। और अगर ये उसका सर देख रहे हो, ये है, तो करना क्या कि मेन सेंटेंस का वॉइस चेंज कर देना, वो अपने अपने वो सब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट के यहां जरूरत की जगह पे आ जाएगा। देखो जरा, अगर मैं लिखता राम वॉज अवॉर्डेड बाय द टीचर, प्रोग्राम ठीक हो गया एकदम। अब देखो ना, हैविंग स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, कौन था भाई, राम था। वॉइस जैसे बदलेंगे वो सब्जेक्ट यहां चलाएगा। He was bitten by a snake. और जो सब्जेक्ट चाहिए था वो अपने जगह पे आ गया। सो अगर ऐसा वाला जाने की चीज, और अगर ऐसा वाला कॉमन एरर दे तो आपको एरर इस सेंटेंस में चुनना होगा। हाँ, इंप्रूवमेंट में कभी कभी देता है ना कि जिस पार्ट को बोल्ड कर दिया उस पार्ट में चेंज करना है। मैं बता रहा हूं, अगर उसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट अगर मेन सेंटेंस में भार्व के बाद आया हुआ तो वॉइस बदल दो, और आता है डन। हां, क्योंकि ये वाला मिटाऊंगा मैं, ये वाला मिटाऊंगा, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जो भी कुछ है। आगे बढ़ूं,
मिटा दूं। अच्छा देखो जरा तो ध्यान दो तो, क्या ये वाला थियरी इन दोनों सेंटेंस में लगेगा क्या? क्या तुम इस सेंटेंस का वॉयस आदि बदल, एक तो कि इसमें आवाज लगा हुआ, इसका वॉयस बदलेगा नहीं खाली अकेला है तो, और तुम कुछ भी करके यहां पे ही तो नहीं ला सकते हो। और इसका जो बिंग रेनी डे का जो सब्जेक्ट होगा वो तो इट होगा ना, इट इज रेनी डे। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब पार्टिसिपल का सब्जेक्ट मेन सेंटेंस में ना हो, दूसरी पॉसिबिलिटी, दो दो उपाय है। फर्स्ट वे, पार्टिसिपल वर्ड के पहले, जो पार्टिसिपल है उसके पहले सीधा उसका सब्जेक्ट जोड़ के रख दो, बस। बस कोई उपाय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट बिंग एनी डे आई डिसाइडेड नॉट टू गो आउट, ही बिंग वेरी ऑनेस्ट इन नेचर, हिज एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जब उसका एक उपाय है, दूसरा उपाय मैं बहुत बता दे रहा हूं। पहला उपाय यह है कि जब उसका सब्जेक्ट सिचुएशन, जब उसका सब्जेक्ट ना हो तो सीधे पार्टिसिपल के पहले उसके सब्जेक्ट को लगा के रख दीजिए। एयर चुनना होगा, कॉमन एयर में यहीं पे चुनना होगा। और दूसरा तरीका कि एक, और जो भी काम करना है पार्टिसिपल पार्ट में ही काम करना है, एक कंजंक्शन लगाइए अपने तरफ से, वो सब्जेक्ट निकालिए जो लगाना है, और पार्टिसिपल को फाइनाइट वर्ब बना दीजिए। कभी कभार इसकी भी जरूरत पड़ती है। ऐसे लिख दो, बिकॉज ही वॉज वेरी ऑनेस्ट इन नेचर, या बिकॉज इट वॉज अ रेनी डे। ये वाला या ये वाला, दोनों में से कुछ भी, ही बिंग भी कर सकते हो ऑनेस्ट इन नेचर, या इट बिंग अ रेनी डे भी कर सकते हो, और नहीं तो लिख सकते हो बिकॉज इट वॉज अ रेनी डे। लेकिन तब जो भी करना होगा पार्टिसिपल वाले पार्ट में ही करना होगा, क्योंकि यहां तो कर ही नहीं सकते हो कुछ। फर्स्ट वाले में कुछ नहीं करना है। अच्छा अब मौसम का सेंटेंस को क्या क्या लिखोगे? बारिश का दिन है तो क्या लिखोगे, क्या सब्जेक्ट लगाओगे? इट लगाओगे ना, तो जिसका जो सब्जेक्ट है उसको रख देते हैं। यहां पर तो ही एक आदमी है ना, कहां पे आदमी है? तो अच्छा इसका सब्जेक्ट आई था, इस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट। अच्छा मैंने अगर इट लगा दिया तो क्या आपके पास कंजंक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी? ये तो नॉन वर्ब है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, तो फिर कंजंक्शन की क्या जरूरत है? सेंटेंस है ही नहीं यहां पे, सेंटेंस यहां पे है ही नहीं। पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट रखा जाता है। राम बीइंग ऑनेस्ट इन नेचर मतलब बिकॉज राम वाज ऑनेस्ट इन नेचर, राम बीइंग का मतलब राम वाज बिकॉज के साथ, क्लियर है? सम पार्ट
पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव जेरंड एंड पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का तो ऑलमोस्ट मेजर पार्ट पढ़ लिए हो, अब इसका थोड़ा सा और स्ट्रक्चरल पार्ट बाकी है, बट अभी इन्फिनेटिव जेरंड का जो एग्जामिनेशन वाला पार्ट है ना वो अभी बाकी है थोड़ा सा। सी यू देन, थैंक यू फॉर कमिंग।